आप लोगों से बात करें और आपका मन हल्का ना हो, ये जरूरत है आपकी। रोने धोने की आपको जरूरत है। अंदर जमा हुआ गर्द गुबार जब तक आंसुओं से नहीं निकलेगा, दिल पे लिखे हुए ऐसा साथ को लफ्जों का लिबास जब तक नहीं पहनाओगे, सुकून नहीं मिल सकता। इंसान को चाहिए कि कोई उसे सुने, इंसान को चाहिए कि कोई उसकी माने, इंसान को वो कंट्रोल चाहिए वो फील करता है। इंसान बगैर दूसरे के नहीं जी सकता। जब दूसरा स्टोरी में आएगा ना, तो उसे ले के चलाना पड़ेगा या उसके अंडर चलना पड़ेगा, तीसरी कोई सिचुएशन नहीं हो सकती। तो जब उसको ले के चलना है तो उधर कुछ कोई एक फन चाहिए आपको लीड करने का। तो लीडरशिप मेरी नज़र में इस चीज़ का नाम है कि आप लोगों को अपने मौकफ पर इकट्ठा कर सके। तो बैल को काबू करने के लिए बहुत कुछ चाहिए। क़यादत इस फन को जानने का नाम, जो एक माँ को भी नहीं आता आज के माशरे में, एक बाप को भी नहीं आता, एक हाकिम को नहीं आता, एक सीएम को नहीं आता, पीएम को नहीं आता, किसी इंस्टीट्यूशन के हेड को नहीं आता, अथॉरिटीज को नहीं आता। और जिनको आता है लोग फिर उनके जादू के अंदर डूब जाते हैं। ये है उसका काम। और दुनिया का सबसे अजीम तरीन कायद अगर कोई था है तो माइकल हार्ट कहता है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ही वाज द मैन। मैं उनको एक जमाने में अपने बाप दादों की वजह से मानता था। जिंदगी के 40-42 साल गुजारने के बाद आज मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस वजह से मानता हूं कि मैं जिंदगी में दो बंदों को इकट्ठा ना कर सका, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के की इतनी हार्ड कोर सोसाइटी को जबरन नहीं, अपने उस कैरिज्मा से आप लाए थल्ले सबको। माना दुनिया ने भाई ये कोई शय है। आप सल्लम कहते ना लोग मानते नहीं थे, मनवाया है हमने। आप सल्लम ने मनवाया था दुनिया को कि मेरा कोई सानी नहीं हो सकता। ये आसान काम नहीं, ये मुश्किल काम है।